अशोक जी पिता आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप लोग, जोरदार तालियां। गांव बनाओ का बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपना सर्वदलीय उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार भाई राजकरण जी चौधरी और आगे विपक्ष में बैठना भाई राकेश था चेयरमैन है, विपक्ष ने साके दे दिया। तो बड़े चेयरमैन है रे बड़े विपक्ष में, तो ठीक है। तो आप बात आपने मोहन जी आर्य, सत्यनारायण जी सारण, ईश्वर जी दुबी, राम प्रताप जी स्वामी, नारायण जी माड़ी, सही राम जी सारण, भीख जी नायक, बुद्ध जी प्रजापत, जेठा राम जी जांगीर, बाले खान जी, मास्टर श्रवण जी चिरानिया जी और सागाड़ा सहकारी कर्ता बंधु, बात तो थाना मोहन जी बता दी और निर्णय क्यों करो अभी संसान था है। कल आया उसने देख सुन ली सुन ली बात को, बात तो मार तो दर्द वाली भाई है। वे 8 महीना पहले चुनाव वे मेरे को चुनाव लड़ने की इच्छा को नहीं, मना कर दियो मुझे कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ा दो, मैं भी सागर है, मैं शिवचंद जी सब को नाम भी लेंगे। तो पार्टी वाला निर्णय करके कहो कहने वो चुनाव था लड़नो पड़नो, आज तक चाहे वो 1998 का समय है, बोनलाल जी बीजेपी महाबान काट दिया, जरा स्वर्गीय भैरव सिंह जी सेखाओ को आदेश योग है सब तुम चुनाव लड़नो पड़नो पड़ जरते गांव को रास्ता में कौन जान। हाँ गांव का कुछ लोग दुकान के कारण जरूर जान, लेकिन मेरे को जो गांव में वास्तव बन पड़े, फिर भी मैं पार्टी की इज्जत के वास्ते पार्टी की बात रखने वास्ते नेता की बात रखने वास्ते चुनाव लड़ो, फिर लगातार मैं थारे बीच में रहो। उपचुनाव के समय मैंने आदेश दियो कि थाने चुनाव लड़ना है, मैं एक ही बात कही कि अभी 2023 को थे क्यों राज को चुनाव, 8 महीना को चुनाव, सिंपैथी को चुनाव ना, आप बात को आश्वासन दियो कि 2023 में था चुनाव थाने लड़नो भी। आश्वासन के बाद में अगर पार्टी मन बुला गया बात कहते कि भी थारू में तब की चुनाव को लड़ना चाहूं, अगर पार्टी का नेतृत्व तो मैंने बात कहता तो निश्चित रूप से मैं बात मानता हूं। मोहन जी, सतु जी, शिवचंद जी, अपना मधुसूदन जी, बहुत सारे लोग टिकट मांगा, मैंने आप पूछ लेता कि अभी थाने कौन गए उम्मीदवार है अपनी पार्टी हित में चुनाव जीत के अभी को सुझाव दे, तो मैं निश्चित रूप में वो सुझाव देता हूं, क्योंकि जगके दिन से पार्टी के मायना जगके दिन कोई बोटिया ध्यान में हो लो है कि नहीं है ध्यान में को नहीं मन ये पार्टी को चुनाव से दीपक हो, तो मारो परिवार ही पार्टी में, लेकिन पार्टी को दर्द मेरे भी बहुत, लेकिन मेरे साथ ना इंसाफी अपनी भाषा में कहा तो घात आज तक भी 5-3 तारीख ने कार्यकर्ता का सम्मेलन करो, आप कुछ लोग गया भी है 5,000 लोग इकट्ठा, 20 दिन में आप बात कही कि स्थानीय उम्मीदवार अगर मैं मन नहीं दो तो क्यों नहीं दे दो, मैं सगा 12 का उम्मीदवार ने टिकट ना दे, फिर भी पार्टी का लोग बात न कौन सुन के स्थानीय उम्मीदवार चाहे कोई भाई टिकट दे दो अब हम तैयार होता है मैं सगे ला के, लेकिन रतनगढ़ लिया टिकट दे दी। अरे आज भाई पार्टी की बात करें लाली बार रतनगढ़ भवन की टिकट कटी, भाई खुद निर्दलीय चुनाव लड़ो और जामनी जब थी तू सही राम जी आज रतनगढ़ से ज्यादा रो फिर बाद में पार्टी निकाल दियो और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। भाई आज आवाला ने कोई मोदी जी की बात करे ना, इनके चुनाव में मोदी जी खिलाफ बोला, भाई कांग्रेस ज्वाइन कर ली,
ओ मान लो पुणा आयो पछि बीजेपी जॉइन कर ए दिया के रे तो ई वास्ते बे कोई माने पार्टी की बात कह कौन कोई वास्ते मैं थकनी आज फरियादी रे फरियाद ले के थे सगला जनता बैठी है जज हो के मेरे को गलत नहीं ना करो क्यों सही है नहीं सही है तो मैं तो इतनी बात कह सकूं कि हमारे भी मान सम्मान को सवाल है मेरे लोग सगला जगह पार्टी बंजड़ा लोग भी हाँ तो इस सर्वे दलीय उम्मीदवार ने खड़ा करना ला मेरे लोग हाँ तुम्हारा तो कोई कहना है कि थे सगला जना मिलके और पूरे तरीके और शांतिपूर्वक रहे जो काल में एक फोन आयो रात क्या मेरे को ट्रैक्टर ट्रैक्टर ले खड़ा हुआ तो वो तो काम बना खान जी कर गया और उसे क्या निकल लग गया और काम शांति को काम है चुनाव को काम ए नाम थे बे ट्रैक्टर में तेल बाल के खर्चो करू आ तो थारे घर का जगह वोट रेट है मंगा के थारे खर्चो गिरा दिया तो ना तुम मान सकते सही है फालतू खर्चा करना फासार को नहीं बिता ही खर्चा में 50 वोट आवा तो कितना हुए बिका घर का वोट दे था तो छे आप के घर का वोट कोई बारे नहीं रहे गिराने की जिम्मेदारी थारी मंगाने की जिम्मेदारी थारी एक एक वोट भाई राजकुमार ने गिरा के और मेरो मान सम्मान बढ़ाया तो थाने इसी बात कहना आयो धन्यवाद जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद भाई आदेश हो माला दे रहे हो अब थारो सैंग सहमति है गाल दो माला राजू जी के हाथ ऊपर करके बता दो भाई भारत माता की राम मोटो चेयरमैन साहब बोली हो रही है चिंता ना करो अब भाई मैं चार पांच नाम बाकी रह गया माला का लेकिन अशोक भाई जी सगड़ा की तरफ हूँ सगड़ा नात ऊपर करार गाल दी तो की कोई बाकी रह गयो तो कोई बात को नहीं अब आपके सामने सर्व समाज के सर्वदलीय प्रत्याशी भाई राजकरण जी चौधरी अपना संबोधन करेंगे भाई राजकरण जी चौधरी आज